आपको बताएं कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के स्विमिंग पूल्स को बंद करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शहर भर में स्विमिंग पूल्स को फौरी बंद करवाया जा रहा है। जी मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद बताइएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल जी, स्विमिंग पूल पर तफरी के लिए जाने वालों के लिए बुरी खबर है। और इस हवाले से चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि चूँकि डेंगू के डंक काफ़ी तेज़ हुए हैं और स्विमिंग पूल जो ख़ास तौर पर वाटर पार्क्स हैं शहर की 4 से 5 बड़ी वाटर पार्क्स, उसके साथ साथ जो स्विमिंग पूल ओपन एरियाज़ में बनाए गए हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। अब मज़ीद ऑपरेशनल नहीं रखे जाएंगे और ये DC लाहौर ने ताहुक्मे सानी बंद करने का इस ज़मन में असिस्टेंट कमिश्नर्स को वाजिया हिदायत जारी कर दी गई हैं। अगर खिलाफ वर्जी जो है वो की जाती है तो उसके नतीजे में प्रीमिसेस को ना सिर्फ सील किया जाएगा बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से DC लाहौर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ओपन एरियाज़ के तकरीबन 400 से 500 स्विमिंग पूल्स जो हैं उनको तो बंद किया जा रहा है, इनडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रख सकेंगी लेकिन SOPs के साथ, डेंगू SOPs पर अमल दरामद करने की सूरत में ही इंडोर स्विमिंग पूल को ओपन रखा जा सकेगा। जिसकी भी जो रेवेन्यू स्टाफ है और असिस्टेंट कमिश्नर्स बाकायदा जो है वो मॉनिटरिंग भी करेंगे। ताहम इस हवाले से तमाम जो स्विमिंग पूल और फार्म हाउसेज में मौजूद स्विमिंग पूल्स के मालकान हैं उनको भी तंबीह कर दी गई है, खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माना और एफ इंद्राज भी किया जा सकेगा। शुक्रिया आपका राव दिलशाद, हमें आगाह कर रहे थे।